वाले आ जाइए, इस तरफ आइए। मुझे ना आईसीयू केयर में जाना है। आपकी बुक रह गई है। ECIL समझता हूँ, पर आईसीयू केयर क्या है? इंटेंसिव केयर यूनिट। मेरी माँ वहाँ पर एडमिट है। अच्छा, कूपर हॉस्पिटल? नहीं नहीं, लीलावती में है। पर वो इस तरफ नहीं, उधर है। अरे अरे अरे, मैं तो भूल ही गई थी। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जरूरत नहीं है, ऑनलाइन 500 देना, ऑफलाइन 200 देना। ये क्या है सर? ये फाइन है, ऑनलाइन भरेंगे या ऑफलाइन? अच्छा, फाइन है। ओह माय गॉड, कमिश्नर साहब आ रहे हैं। कमिश्नर साहब, मैं पीछे आपके। ये तो एम्बुलेंस है। हाँ, ये मैडम तो बहुत शाणी निकली, मुझे मामू बनाकर निकल गई। हेलो मैडम, आज लेट हो गए। ट्रैफिक पुलिस ने बस रुकवा दी थी, इसलिए लेट हो गई। गुड मॉर्निंग मैडम। नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता, मैंने कहा था ना। कॉफी? लव साइंस? नॉनसेंस। पद्मश्री, ये क्या है? फालतू किताब। अब फोन रखो जल्दी। तुम भी ना, टेंशन मत लो, आते ही 24 घंटे में सब तैयारी कर दूंगा और फिर हम शादी करेंगे। अरे बस कर, अपना रोमांस बंद करेगा। देखो, अपने डैड से पूछकर शादी करना और फिर हनीमून के लिए US आ जाना। ओके ओके, गुड। ए प्रकाश, प्रकाश कहाँ है? कम ऑन यार, हरी आप, लेट हो रहा है। 2 मिनट यार, चल मैं पूजा कर लेता हूँ। ये कद्दू तोड़कर वेस्ट क्यों कर रहा है? उसकी सब्जी बना के खाता क्यों नहीं? वेस्ट नहीं कर रहा हूँ यार, नजर उतार रहा हूँ। नया बिजनेस है, नई गाड़ी है और नई लड़की। हाँ, वो भी आ ही जाएगी। वैसे एक बात बता, गूगल मैप्स पर भरोसा है तुझे? हाँ है। क्यों? वो काम कैसे करता है? सैटेलाइट की मदद से। एग्जैक्टली, उसी सैटेलाइट की जो भी बुरी नजर है वो मैं यहाँ से पूजा करके उतार रहा हूँ। अच्छा, और ये तुझे किसने बताया? मेरे पिताजी ने बताया है। तेरे गुरु कौन? वही इसके गुरु हैं, दोनों अंधविश्वास के मरीज हैं। ये सब करने के बाद ही ये यहाँ से आगे बढ़ेगा, समझा इसको? अरे यार सुन, ऐसी बातों पे विश्वास मत कर, एक दिन बर्बाद हो जाएगा। अरे जो भी हो, आई एम द बेस्ट, इसे चला। ये हार नहीं मानता, चल। बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला। चलो हो गया, पूजा खत्म हो गई, अब तू जा सकता है। बज के 36 मिनट पर क्या था? टाइम तो सही था, नजर उतारने का तो मुहूर्त सही था, फिर ये सब कैसे हो गया? जो नसीब में लिखा होता है वही होता है। तेरे में लिखा था पैर टूटेगा। मार मत, वरना तुझ पे मंत्र फूंक दूंगा। ओ मैटर क्या, टाइम गलत नहीं था, तेरे गुरु ने तुझे गलत सिखाया है। तू मेरे ऑपोजिशन पार्टी में है, लेकिन मेरे पिताजी से क्या दुश्मनी है तेरी? ये शायद मेरे कैलकुलेशन में ही कुछ गड़बड़ हो गई होगी। कद्दू पे फिसलेगा तो यही होगा, डॉक्टर ने क्या कहा है? 1 month बेड रेस्ट। अब 1 महीना में क्या करूंगा? ऐसी हालत में तुझे क्या लगता है, तू शू पहन के कहीं भी बाहर जा सकता है? चुपचाप लेटे रहना। लेकिन कितनी देर तक मैं लेटा रहूंगा? तू बिल्कुल टेंशन मत ले, तुझे जिस चीज की जरूरत हो मुझे बता, मैं लेके आऊंगा। जब तक तू फुल रिकवर नहीं होता मैं यही रहूंगा, US नहीं जाऊंगा। ओके, ये सब क्या कह रहा है यार? ओवर एक्टिंग मत कर बच्चे। ओम क्राक ग्रहस्ते लक्ष्मी करमथे सरस्वती करमूले तु गोविंद। योर ऑनर, क्या ये मेरी गलती है कि मैं क्रिमिनल्स को किसी तरह बचा लेता हूँ, इसलिए मैं आपके लिए नारियल पिछले 3 साल से लगातार फोड़ रहा हूँ। इस साल मैं पहले फोड़ दूंगा, मुझे हर केस में कामयाबी दो। अरे यार पागल जैसा क्या बोल रहे हो? ये पब्लिक में फैसला कौन सुना रहा है? पापा तुम मेरी बात याद रखना है, मैं अपनी बेटी की शादी की फाइल बंद कर देता हूँ, उसकी शादी कर देता हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए पंडित जी, आप भी आशीर्वाद दीजिए। मनोवांछा फला सिद्धरस्तु। सब गया, सब कुछ गया। तुमने उस पब्लिक प्रोसिक्यूटर की साइड ली है ना, तुझे बताता हूँ मैं। पद्माश्री। हाँ मैं यहाँ हूँ जी। पद्माश्री, अब से मैं गणपति के लिए एक भी नारियल नहीं फोड़ूंगा। क्या हुआ जी, इतने गुस्से में क्यों हो? तुम्हारे पास और कोई कपड़े नहीं है क्या? रोज इस तरह के अतरंगी कपड़े पहनती हो। अरे इसे शादी थोड़ी ना करनी है। सुना तेरी माँ क्या कह रही है? मेरी बातों को हमेशा काउंटर करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले अपनी बेटियों पर ध्यान दो। इसका रिजल्ट आ गया? अब सुनो, सक्सेसफुली पिछले 4 साल से फेल हो रही है तुम्हारी बेटी। सो मत। फेल होकर भी मुझे खुशी हो रही है, पिछली बार मैं सारे सब्जेक्ट में फेल नहीं हुई थी। अपने डैडी को बताया? देखा कैसी बातें कर रही है, ये कभी नहीं सुधरेगी। सुनो, मैं अब तेरी एग्जाम फीस नहीं भरूंगा, अब जो भी लड़का मेरी नजर में सही होगा उसके साथ इसकी शादी करवा दूंगा। अरे वाह, अब अगर दोबारा शादी की बात की ना तो मैं क्या करूंगी, ये सोचा भी नहीं होगा।
लव साइंस। ये लव साइंस की बुक मेरे पास बार बार क्यों आ जाती है? पास भी हो गई तो मुझे कहाँ मिलोगे और कितना? हेलो, टिकट्स मिले क्या? नहीं मिले, हमें ऑनलाइन टिकट्स बुक करने चाहिए थे। अब क्या करेंगे? ट्रीट तो तुझे देना होगा। ऑनलाइन टिकट्स भी मैं ही अब बुक करूं? क्या करें? तो और कौन करेगा? बहस मत करो, चलो चलते हैं। तुम चुप करो, अब क्या करेंगी बताओ। ये कहाँ से मिली? उस बैग से मिली। एक्सक्यूज मी, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा टिकट्स हैं, आप लोगों को चाहिए? कितने हैं? चार। चार, परफेक्ट। ये लीजिए, एंजॉय, बाय। थैंक यू। वाओ, एक चीज दिखाऊं, इसकी वजह से हमें टिकट्स मिले हैं, समझ गए? थैंक यू मिस्टर लकी। पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ, तुम कहती हो ये तुम्हारा लक है, अब तुम्हें ट्रेन में फिर से जाना होगा। वैसे ये दिखने में ओके है, फिल्म का हीरो है तो डबल ओके, लेकिन ये सिर्फ इसी का हीरो होगा तो नॉट ओके। ठीक है, ठीक है, अब तुम केक ऑर्डर कर दो प्लीज। एक्सक्यूज मी मैम, आज हमारी 5th एनिवर्सरी है, ये केक आपके लिए, एंजॉय द डे। अब तो तुम लोगों को विश्वास हो गया ना, दैट इज माय लकी चार्म। क्या कहा? ये तुम्हारा लकी चार्म है? तुम्हें इस बात की कंफर्मेशन है? अब पता नहीं ये फोटो कहाँ से आई है, लेकिन ये है तो हैदराबाद में। मैं बस के फुटबोर्ड में ट्रैवल कर रही थी और इसकी फोटो मुझे मेरे बेडरूम में एक किताब के अंदर मिल गई। मैं इसकी फोटो अपने बेडरूम में लगाऊंगी। इसलिए इसका रिजल्ट्स भी चेंज हो गया, फिल्म के टिकट्स भी मिल गए, और फाइनली ये देखो केक भी यहाँ पर आ गया। ए, अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। तुम्हें उससे प्यार हो गया क्या? मीरा, प्यार हो गया क्या? अगर हो गया है तो इसमें गलती क्या है? क्या पागलों जैसी बात कर रही हो, हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। Actually, I don't care. मैं बस इसे प्यार करने लग गई हूँ। शाम को मिलते हैं, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, तुम तैयार रहना। हाँ ठीक है, तैयार रहूंगी। ओके। हाँ ओके, बाय। मीरा, कब से फोटो देख रही हो? पहले उससे डायरेक्ट तो मिलो। ठीक है, अगर ये मुझे डायरेक्ट नहीं मिला तो ये मेरा लकी चार्म नहीं है। ऑल द बेस्ट। ये क्या है? इतना बड़ा लेंस? ये मैं अपने फ्रेंड को गिफ्ट करने वाली हूँ माँ, 2 लाख। आपने सुना ना, आपकी बेटी ने फ्रेंड के लिए 2 लाख का कॉस्टली गिफ्ट खरीदा है। करने दो, इसमें अगर उसे खुशी मिलती है तो भले ही 20 लाख की गिफ्ट हो, तुम खरीद लो बेटा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, गिफ्ट ही तो है, दे दो बेटा। तुम्हारे भरोसे मैंने चैलेंज किया है, अब किसी भी तरह तुम मुझसे मिलो। ओके, हेलो, एक्सक्यूज मी, सॉरी सॉरी सॉरी, आपको नहीं, मैं उसे बुला रही हूँ। हेलो, हे, एक्सक्यूज मी, वही मैडम, इस बार इसे नहीं छोड़ूंगा। अरे मैडम रुकिए रुकिए रुकिए, यहाँ यू टर्न नहीं मार सकते। मैं धकेल कर तो ले जा सकती हूँ। अच्छा, ये बोर्ड नहीं देखा क्या? ओ,
दरअसल मैं आपको देख रही थी। अच्छा चलो 500 रुपए फाइन निकालो, चलो चलो 500 रुपए। हाँ चलो चलो निकालो निकालो निकालो। सोच क्या रही हो? आपके पास 2000 का चेंज होगा? मैं इस समाज की भलाई के लिए हमेशा चेंज रखता हूँ, ये पब्लिक सर्विस है। आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। हाँ, जानता हूँ। ऐसे ये नोट, I like it. Thank you. You're welcome. ये तो 2000 का चेंज ले गई और फाइन भी नहीं भरा। ये मैडम तो बहुत शाणी है, मुझे फिर से मामू बनाकर चली गई। हाय वरुण। हाय। देखो ये कैसा बढ़िया है, फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट है। सुनिए जी, क्या हुआ? कहा था ना हमें अपनी बेटी पर नजर रखनी चाहिए, पर आप मेरी बात सुनते ही नहीं। अब क्या हुआ? देखिए उसने वो कॉस्टली गिफ्ट किसे दिया? Shall we go? Yeah, let's go. Okay, let's go. वो गिफ्ट चाहे किसी को भी दे, मेरी बेटी मेरी पसंद के लड़के से ही शादी करेगी।